नए साल के जश्न के लिए कई लोग कई तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। कई लोग तो दारू पार्टी भी प्लान कर रहे होंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जरा सा थम जाइए, क्या पता आपका रात का जश्न या तो आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे या फिर जेल। दरअसल नए साल के आने के जश्न में 31 दिसंबर की रात में कानपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए इस बार कानपुर पुलिस ने उनके लिए ऐसा इंतजाम किया है जो उनके शराब पीकर न्यू ईयर मनाने के उत्साह को ठंडा कर देगा। कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने नए साल की अगवानी में होटल्स, क्लब या फिर घरों में जश्न मनाने वालों को चेतावनी दी है कि रात में दारू पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग के लिए रात भर सड़कों पर हमारी पुलिस टीम ब्रेथ एनालाइजर के साथ चेकिंग के लिए मौजूद रहेगी, जो दारू पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग करेगी। अगर उस समय कोई दारू पीकर गाड़ी चलाते हुए मिलेगा तो कम से कम उसे हम घर तो नहीं जाने देंगे, उसके लिए जो संभव होगा अस्पताल या थाना जैसी भी व्यवस्था होगी वो करेंगे और उसका चालान करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नए साल का जश्न मनाना सबका हक है, सबको मनाने की छूट है, लेकिन रोड पर दारू पीकर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिसके लिए रात भर पुलिस की टीम मुस्तैदी से काम करेगी। देखिए, जहां तक पुलिस व्यवस्था में कार्य प्रणाली का विषय है तो हम सभी अधिकारी यहाँ पे हैं, और अभी तक ऐसा कोई भी विषय, ऐसा कोई भी प्रकरण, ऐसा कोई भी तथ्य संज्ञान में नहीं आया है जिससे हम अधिकारी विशेष पर अथवा किसी अन्य के ऊपर किसी पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की बात कर सकें। हाँ, लेकिन चूंकि यह विषय किसी ने लगाया है तो यह भी हमें जांच करना होगा कि यह किसने लगाया है, नंबर एक। नंबर दो, इसके जो कंटेंट हैं वो क्या हैं। नंबर तीन, इसके कंटेंट कॉरोबरेट करते हैं या नहीं करते हैं। नंबर चार, अगर नहीं करते हैं तो किन उद्देश्यों से लगाया गया है। नंबर पाँच, कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी व्यवस्था में किसी नए तेज तर्रार अफसर को डालते हैं तो वो कुछ नए जो है चेंजेज प्रयोग करता है, तो क्या उसका आउटकम है। तो देर आर एन नंबर ऑफ सिचुएशन एंड सरकमस्टेंसेज जिसमें हमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, तो वी हैव टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच, और हमें पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ों को जाँच करके कार्यवाही करना चाहिए, और वही हम करेंगे। तो भैया, अगर आप भी न्यू ईयर मना रहे हैं, दारू पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो शराब पीकर गाड़ी मत चलाइएगा। क्या पता आपको नए साल का पहला दिन या तो जेल में बिताना पड़े या फिर अस्पताल में। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।